भारत धरती का स्वर्ग, पवित्रता की प्रतीक नदियां, इतिहास का दस्तावेज, विविधताओं भरा समंदर, यही तो है इंडिया, अनदेखा इंडिया, अनजाना इंडिया, हम सबका इंडिया, इंडिया यही तो है। यही तो है इंडिया। तुम अपने ख्वाब बचा के रखो कि कोई तुम्हारी आंखों में झांके तो जिंदगी देखे। दोस्तों, जिंदगी का एक ऐसा ही बहुत ही खूबसूरत नजारा आज मेरी आंखों में कैद है। आपको देखना है तो आइए झांकिए मेरी आंखों में। क्या आपको कुछ भी नजर नहीं आया? अरे भाई, हमारी आंखों पर यकीन नहीं तो खुद अपनी आंखों से देख लीजिए। इतिहास की ढेरों धरोहर समेटी इंडिया की एक खूबसूरत स्टेट मध्य प्रदेश। इसी प्रदेश का एक जिला है रायसेन, जहां की खूबसूरती बरबसी पर्यटकों को मोह लेती है। यहां का ऐतिहासिक किला, चिड़िया डोल और रूहानी समा पैदा करती वीर फतेह अली शाह की दरगाह की तरफ पर्यटक जाने अनजाने ही खींचे चले आते हैं। भोपाल से रायसेन के रास्ते में बेतवा नदी का ये पुल पेड़ पौधों की हरियाली के बीच खींची हुई सफेद लकीर की तरह बहती हुई बेतवा नदी, दूर तक फैली हरी भरी वादियां, ढलान पर साइकिल का मजा लेता ये साइकिल सवार, आसमान में अपनी घनेरी जुल्फें लिए मुस्कुराती ये घटाएं, दूर से दिखाई देता पहाड़ी पर रायसेन का किला आज भी अपने बीते दिनों की गवाही दे रहा है। ये बुर्ज, ये दीवारें और दरवाजे अपनी शौर्य गाथा की कहानी दोहराते दिखाई देते हैं। किले के दरवाजों से झांकता आसमान, आसमान में डोलते बादल, नीचे गहराई में नजर आता रायसेन शहर, चारों तरफ फैली हरियाली, ये शांत माहौल पर्यटकों को मोह लेता है। तारीकियों के खुले हैं परचम, लम्हों के चराग जलते हैं। महल में सदियों पुरानी ये खूबसूरत बावड़ी किसी जमाने में रानियों और उनकी दासियों से आबाद रहने वाली ये जगह आजकल वक्त की हरी काई से ढक गई है, तो भी इसकी खूबसूरती मनमोहक है। सदियों पुरानी दीवारें, ये कमरे, खुला आंगन पुराने शिल्प के खूबसूरत नमूने हैं। लेकिन अभी तो आपको इस जन्नत का बहुत सारा हिस्सा दिखाना बाकी है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रायसेन का ये जो किला है ये कस्बे से काफी ऊपर है, और इसी वजह से सुबह जब सूरज अपनी रोशनी बिखेरता है तो सबसे पहले इसी किले पर पहुंचता है। आइए आगे चलें। चिड़िया टोल, चिड़िया की शक्ल लिए ये पत्थर का टीला, चिड़िया की आंख जैसे आसपास बिखरी हुई खूबसूरती पर अपनी आंख जमाए हुए है।
चारों ओर बिखरी हरियाली, खिले फूल। चट्टानों के बीच बहते छोटे बड़े झरने, दूर तक फैली समतल चट्टानें, यहाँ के वातावरण में एक जादू है। जैसे तितली एक फूल से दूसरे फूल तक गुनगुनाती फिरती है, उसी तरह यहाँ आने वाले का मन कभी इधर और कभी उधर डोलता रहता है। नीली फिजा के मखमल पर हंसती ये हीरे की कनी, ये मेरी जन्नत, ये मेरी जमीन। हिंदू हों या मुस्लिम, सभी धर्मों के लोग अपनी अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ यहाँ आते हैं। आंचल और हाथ फैलाए सब अपने मन की मुराद मांगते हैं। कहते हैं इस दरगाह से कभी कोई खाली हाथ नहीं गया। यकीन है कि आप इस जगह पर पहुंचने के लिए बेकरार होंगे, इसीलिए अब हम आपको देते हैं ट्रैवल टिप्स। मध्य भारत के प्रमुख नगर भोपाल और सागर के मध्य स्थित है रायसेन, जो सड़क मार्ग से जुड़ा है। भोपाल से रायसेन की दूरी लगभग 45 किलोमीटर, सागर से रायसेन की दूरी लगभग 100 किलोमीटर। तो दोस्तों, मेरी घड़ी मुझे कर रही है इशारा, अगले एपिसोड का कीजिए इंतजार। मैं आऊंगी फिर से एक बार, क्योंकि आखिर मुझे भी तो हो गया है आप सबसे प्यार। तो तब तक के लिए, keep smiling। यही तो है।